संविधान का उल्लंघन कहां हुआ? प्रियंका जी क्या कहेंगी? रमनीश जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि नाम में तो सब है, आधार है, पहचान है, पासपोर्ट है, आपका घर है, आपका अस्तित्व है, नाम बताने में क्या आपत्ति है? और अगर इतनी ही आपत्ति है तो सलीम ने अपने ढाबे का नाम राम वैष्णव ढाबा क्यों रखा? अरे ये इनसे ये भी पूछिए कि अल कबीर जो एक सबसे बड़ा बूचर खाना है, जिसे इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉल का चंदा भी लिया है भारतीय जनता पार्टी वालों ने, इनसे पूछिए कि इन्होंने क्यों नहीं कहा कि जो उसका ओनर है उसका नाम के हिसाब से ही उसका जो है प्रॉपर्टी है उस हिसाब से होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि देखिए किस तरह की बातें करके सिर्फ फुटों से भटकाने की बात है, और हकीकत ये है कि देश में जिस तरह का एक माहौल चल रहा है उसको कहीं ना कहीं जो एक कहते हैं मोहब्बत का माहौल चल रहा है उसको कहीं ना कहीं किस तरीके से उसको खराब करना है। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब अगर उनकी सरकार में यह आदेश पारित हो गया तो वो किसी माइनॉरिटी से या किसी अन्य समुदाय से चंदा लेने के काबिल नहीं बचे हुए हैं, क्या कहना है? तो आप ये बताइए कि उनको चंदा ले रहे हैं, चढ़काने की कंपनी है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, तो चंदा ले रहे हैं तो उनसे ये भी नहीं पूछ सकते कि आप अपने जो उसके ओनर है वो नाम की जाति के हिसाब से रखें? फिर उन्होंने अगर उसका ओनर अगर सकीर है तो उसका नाम क्यों अल कबीर रखा? ये भी तो सवाल उठता है, लेकिन हम उस सवाल में नहीं जाना चाहते। हम पूछना चाहते हैं कि जो ठेले पे आम बिकता है क्या उसकी भी जाति पूछी जाएगी? उसका भी धर्म पूछा जाएगा? किसके बाप से वो तोड़ा गया है उसकी भी जाति को धर्म पूछा जाएगी? मैं पूछना चाहती हूँ कि देश में धर्म क्या रहा? आप ये बेरोजगारों की जाति क्यों पूछते? आप क्यों नहीं पूछते कि देश में जो किसान है, जो आप कह रहे हैं जिसके कीले रोकते हैं, उसकी जाति क्यों नहीं पूछते? वैसे प्रियंका जी, एसी में बैठ करके बहस करने वाले ई रिक्शा में चलते कम होंगे, लेकिन ई रिक्शा में जब आप कभी आप बैठिए और जाइए तो आपको नजर में आएगा कि ई रिक्शा के साइड में एक येलो कलर की प्लेट होती है जिसमें ओनर नंबर, लाइसेंस नंबर, ओनर का फोन नंबर सभी कुछ लिखा रहता है, ओनर का नाम भी लिखा रहता है। कौन सा ऐसा व्यक्ति उसका जो है लाइसेंस पढ़ते होंगे तो लाइसेंस मांग लीजिए उनसे, लाइसेंस बांटा है कभी? भारतीय जनता पार्टी के जो ठेला लगाते हैं उनसे भी कहीं लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सब उसका होना चाहिए। देखिए मुझे लगता है इतनी एनर्जी है ये फूड सिक्योरिटी में लगाते हैं कि जो तो मिलावट चल रही है, जो पनीर में मिलावट चल रही है, जो मसालों में मिलावट चल रही है, जो लोगों को जहर परोसा जा रहा है, एनर्जी उसमें लगाते तो शायद देश के काम पर इनको देश के काम से कोई मतलब नहीं है। देश परोसने वाले मतलब मुझे क्या लगता है वो मैं लास्ट में बताऊंगी प्रियंका जी। मुझे लगता है कि विपक्ष एनर्जी गलत जगह पे वेस्ट कर रहा है।